Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 10th class, I am Abdurrahman Sheikh, Master Girls High School, Wilgaon. Our today's topic is Use of Models, Part 6. But our subtopic is Use of Model May. Aziz Tulba aur Talibat, aaj ki class hum Model May ke baare mein padhenge. Ke किस तरह से हम या कहां कहां पे हम मॉडल मे का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप अपनी तवज्जो मार्कर बोर्ड की तरफ रखिए. मे इज यूज्ड टू डिनोट. मे कहां पे हम किस अंदाज से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मे को यूज करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से असूल के मुताबिक, किन किन असूलों के मुताबिक हम मॉडल यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडल मे को इस्तेमाल में ला सकते हैं. नंबर वन, परमिशन एज. यू मे गो नाउ, यानी जब सेंटेंस में हमें लगे कि यहां पे परमिशन का इशारा हो तो हम मॉडल मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह इस मिसाल में हमने किया है. यू मे गो नाउ. दूसरी मिसाल, मे आई कम इन सर. यहां पे भी परमिशन मांगी जाती है, तो यहां परमिशन का इशारा इस सेंटेंस में, तो हमने यहां पे भी मे, मॉडल मे का इस्तेमाल किया. नंबर टू, पॉसिबिलिटी एज. हिज स्टेटमेंट मे कैन कुड बी ट्रू. डियर स्टूडेंट्स, यहां ख्याल रखिये, यहां हम कैन भी और कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वी आर डीलिंग विथ द मॉडल मे. हियर हिज स्टेटमेंट मे बी ट्रू, तो यहां पे पॉसिबिलिटी जाहिर होती है, तो इसलिए हम मे का इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरी मिसाल, योर प्लान मे कैन कुड सक्सीड. तो यहां पे भी पॉसिबिलिटी का इशारा है और हमने यहां पे मॉडल मे का इस्तेमाल किया. योर प्लान मे सक्सीड. फिर नंबर थ्री, आई विश एज. मे यू लिव लॉन्ग. तो यहां पे विश का मतलब इजहार है. तो आप देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, तो इस सूरत में भी हम मॉडल मे का इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर और एक मिसाल, मे गॉड ब्लेस यू. तो यहां पे भी हम विश जाहिर करते हैं, तो हमने यहां पे भी मे, मॉडल मे का इस्तेमाल किया. और आखिर पे नंबर फोर, ए पर्पज एज. जिस सेंटेंस में हमें किसी मकसद का इशारा मिले, तो वहां पे भी हमें मॉडल मे का इस्तेमाल करना लाजमी है हमारे लिए. जैसे वी ईट दैट वी मे लिव, हम जिंदा रहने के लिए गुजा खाते हैं, तो जिंदा रहना हमारा मकसद है, तो उसके लिए हम गुजा का इस्तेमाल करते हैं, गुजा खाते हैं. वी ईट दैट वी मे लिव. दूसरी मिसाल, ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे सक्सीड. वो सख्त मेहनत करता है ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, ताकि वो कामयाबी हासिल करे. तो यहां पे भी पहली मिसाल में यहां पे हमने मे का इस्तेमाल किया, और दूसरी मिसाल, ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे सक्सीड. तीसरी मिसाल, ही फ्लैट दैट ही मे विन फेवर. तो यहां पे भी इस मिसाल में भी, इस सेंटेंस में भी हमने मॉडल मे का इस्तेमाल किया. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी आज की इंग्लिश की क्लास इख्तिताम पजीर हो रही है. इंशाल्लाह कल और एक टॉपिक
लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आपका हम सब का अल्लाह हाफिज, मे गॉड ब्लेस यू, अस्सलाम अलैकुम।